الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حمد و تعریف اس اللہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے اور ہماری زندگیوں میں ڈھیر سارے فیوز و برکات کو نازل فرمایا اور لاکھوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والرسل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے حق کا بول بالا کیا اور باطل سے ڈٹ کر مقابلہ کیا معزز سامعین اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سننے کو قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں سے جو مسائل ہیں جو مصائب ہیں جو مشاکل ہیں اس کو دور فرمائے اور ہمیں اللہ خوش رکھے معزز سامعین آپ سب بابرکت لوگ وجہ کیا ہے کہ آپ بابرکت محفل میں شریک یہ وہ محفل ہے جس پر اللہ کی رحمتوں کی برکتوں کی برکھا جو ہے ختم ہونے تک برستی ہی رہتی اور آخر میں خوشخبری سنائی جاتی ہے قوموا مغفور لکم کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تم اللہ کے رحم کے کرم کے مستحق بن گئے یہ خوشخبری ہمیں اس محفل کے اختتام پر ملتی ہے تو کتنی بابرکت محفلیں ہیں یہ اور اس میں شریک ہونا کتنا برکت کا کام ہے چنانچہ ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم خیر برکت کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے بھی پسند کریں انہیں بھی اس خیر و برکت میں شریک کرنے کی حد تک امکان انشاءاللہ ہم کوشش کریں معزز سامعین آج کا ہمارا موضوع زندگی کے رنگ امنگوں کے سنگ امنگ اور ارمان ایک طرح سے انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے
इसी उमंग और अरमान की बुनियाद पर ऊंचे मकामात तक भी इंसान पहुंचता है और कभी कभी गलत उमंग गलत अरमान उसे पस्ती की तरफ धकेल भी देता है। तो हमें अपनी जिंदगी में हमेशा हमारे अपने उमंगों के साथ जिंदगी का रंग जो है लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। मुअज्जज सामईन, अल्लाह सुबहानहु तआला वसी जो कायनात है दुनिया है इसको अल्लाह ने हमारे लिए मुसक्कर फरमाया। हर चीज को हम इस्तेमाल करते हैं, हर चीज पर तकरीबन इंसान की हुक्मरानी है और सारी चीजों को अल्लाह सुबहानहु तआला ने हमारी खिदमत के लिए पैदा फरमाकर हमें अल्लाह सुबहानहु तआला ने क्यों पैदा फरमाया? अपनी इबादत के लिए। वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो बात यह समझनी चाहिए कि हमारा जो भी अरमान हो, हमारी जो भी उमंग हो, वो अल्लाह को राजी करने वाली होनी चाहिए। अल्लाह सुबहानहु तआला की रिजामंदी के हुदूद में हमारे उमंग भी होने चाहिए, हमारे अरमान भी होने चाहिए। माज़ा सामाईन, जिंदगी हर एक की रंगीन होती है, किसी के पास उमंग कम होते हैं, किसी के पास उमंग कुछ ज्यादा होते हैं, लेकिन जिंदगी बिलाखिर जिंदगी है, हर रंग हर तरंग है तोहफा उमंग का, मौसम तो महज एक हसी इत्तिफाक। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौला अन्ना ली इब्ने आदम वादियम मिन ज़हबिन احب ان يكون له واديان ولن يملا فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب। आदम की औलाद की खसलत ऐसी है कि अगर उसको सोने की एक वादी मिल जाती है तो फिर दूसरी वादी की अर्जू करेगा। उसकी उमंग और बुलंद होगी, दूसरी मिल गई तो तीसरी की ख्वाहिश करे, तीसरी मिल गई चौथी की, चौथी मिल गई पांचवी। इस तरह कब्र की मिट्टी के अलावा उसके इस ख्वाहिश को खत्म करने वाली चीज कोई दूसरी नहीं। और अल्लाह सुबहानहु तआला जिसकी तौबा कबूल करना चाहते हैं कबूल करते हैं। तो मुअज्जज सामईन, हमारी जो ख्वाहिशात हैं इसका कोई एंड नहीं। चुनांचे शायर फरमाता है, इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं, दो गज जमीन भी चाहिए दो गज कफन के बाद। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक बहुत ही मशहूर खतीब हुआ करते थे, उनका नाम था खुस बिन सादा अल अयादी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ भी फरमाई, अल्लाह सुबहानहु तआला खुस बिन सादा के साथ रहम का मामला फरमाए, वो अकेले एक उम्मत बनकर उठाए गए। तो जमाने जाहिलियत में बहुत मारूफ जो है खतीब ये थे, उनके दो भाइयों का इंतकाल हो गया, उनको दफनाने के बाद उनके अंदर गैर मामूली तब्दीली आई। उससे पहले भी वो
दीन हनीफियत पर कायम थे, बुरी चीजों से नफरत करते थे, अच्छाई का हुक्म देते थे, लेकिन उसके बाद लोगों को खासकर आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाना उन्होंने शुरू किया। उनका जो मारूफ खुतबा है वो आपके हवाले करता हूं। उन्होंने कहा, अय्युहन्नास इस्माउ वउ मन आश माता व मन माता फाता व कुल्लु मा हुआ आतिन आतिन मतरुन व नबातुन व अरजाकुन व अकवातुन व आबाउन व उम्महातुन व अहयाउन व अमवातुन जमउन व अश्तातुन लैलुन दाज व नहारुन साद व समाउन जात अबराद व अर्दुन जात फुजाद व बिहारुन जात अमवाद व मिहादुन मौदू व सक्फुन मरफू व नुजूमुन तमूर व बिहारुन ला तगूर व नुजूमुन तजहर व बिहारुन तजखर इन फी السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون أرادوا فأقاموا أم تركوا فناموا تبا لأرباب الغفلة من الأمم الخالية والقرون الماضية يا معشر عياد أين الآباء والأجداد وأين الفراعنة الشداد ألم يكونوا أكثر منكم مالا وأطمل آجالا وأطول آجالا طحنتهم الدهر بكلكل ومزقهم بتطاول। معزز سامعین, بہت ہی مؤثر خطبہ ہے جس میں انہوں نے کہا, اے لوگو سنو اور یاد رکھو, جو زندہ ہے وہ مرے گا, جو مرے گا وہ دنیا سے چلا جائے گا, جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا, یہ تاریک رات, یہ روشن دن, یہ برجوں والا آسمان, یہ چمکنے والے ستارے, یہ موجے ماننے والا سمندر, یقیناً آسمان میں کوئی خاص قوت ہے اور زمین میں ڈھیر ساری عبرتیں ہیں۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ جاتے تو ہیں لیکن واپس لوٹ کر نہیں آتے؟ کیا وہاں انہوں نے قیام پر رضامندی ظاہر کی ہے یا پھر سب کچھ چھوڑ کر وہ سو گئے ہیں؟ اے خاندان عیاد, کہاں ہے تمہارے آبا و اجداد؟ کہاں ہے ظالم فراعنہ؟ کیا مال و دولت میں وہ تم سے بڑھ کر نہ تھے؟ کیا ان کی عمریں تمہاری عمروں سے زیادہ لمبی نہیں تھی؟ زمانے نے سب کو حوادث کی چکی میں پیس ڈالا اور ان کی عظمت کو پارا پارا کر دیا۔ معزز سامعین, دنیا امنگوں سے بھری ہے, ارمانوں سے بھری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن دنیا فانی ہے۔ اگر دنیا ہمیشہ کی زندگی ہوتی یا مال و دولت ہمیشہ کسی کے پاس ہوتی تو یاد رکھ لیجئے کہ آج آپ کے پاس یہ زندگی نہیں ہوتی, آپ کے پاس یہ مال نہیں ہوتا۔ آج آپ کے پاس یہ مال ہے, یہ سہولیات ہیں, تو کل آپ سے چھین کر دوسرے کے پاس یہ چلی جائیں گے۔ چنانچہ امنگ اور آرزو ارمان جو ہے وہ نیک نیتی پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اگر بری نیت ہماری ہے, برے ارادے ہمارے ہیں, برے خیالات ہمارے ہیں, تو نتائج بھی برے ہوں گے اور اس کا اینڈ بھی بہت ہی بھیانک ہوگا۔ چنانچہ معزز سامعین, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو میں یہاں آپ کے حوالے کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا, جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انما الدنیا لاربع, انما الدنیا لاربع نفر, کہ یقیناً دنیا چار لوگوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کون وہ چار لوگ ہیں؟ ایک آدمی ہے
जिसको अल्लाह सुबहाना हो ताला ने इल्म से भी नवाजा है और माल से भी नवाजा है। एक आदमी है जिसको अल्लाह ने इल्म से भी नवाजा है और माल से भी नवाजा है, तो वो अल्लाह से डरता है, अल्लाह का हक बजा लाता है, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी को निभाता भी है और लोगों के साथ एहसान का मामला भी करता है, ये सबसे अफजल आदमी है, जिसके पास माल भी है और जिसके पास दीनी समझ भी है। इल्म का मतलब सिर्फ दुनियावी इल्म, दीनी समझ। और दूसरा आदमी है जिसके पास इल्म है माल नहीं। दूसरा आदमी कौन है? जिसके पास इल्म है लेकिन माल नहीं है, लेकिन वो आरजू करता है, वो अरमान रखता है, वो उमंग रखता है कि ऐ अल्लाह अगर फला शख्स जैसा माल मुझे मिलता, मेरे पास होता, तो मैं भी अल्लाह के रास्ते में उसे बेदिरे खर्च करता। तो उमंग उसके साथ है, अरमान उसके साथ है, तमन्ना कर रहा है, अच्छी तमन्ना है। तो ये दोनों नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजर में बराबर सराबर। और एक आदमी है जिसके पास माल है इल्म नहीं है, बेहिसाब माल है लेकिन इल्म उसके पास नहीं है। इल्म का मतलब क्या है? दीन की समझ नहीं है, क्या हलाल है क्या हराम है, किसके क्या हुकूक हैं, कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, शरीयत क्या कहती है, कुरान का फरमान क्या है, नबी की सुन्नत क्या है, कुछ भी नहीं मालूम उसको। माल बेदिरेग माल है, बेहिसाब माल है, और वो अल्लाह की नाफरमानी करता है, माल के मामले में खर्च के मामले अल्लाह से डरता नहीं, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी निभाता नहीं, लोगों के साथ एहसान का मामला करता नहीं, फख्र गुरूर में मुबतला होकर इस दुनिया से चला जाता। मौत सबको तो आनी है, दुनिया फानी है, मौत तो आनी है। तो ये आदमी है, ये सबसे खबीस आदमी है, ये सबसे खबीस आदमी है। अब चौथा आदमी कौन है भाई? इसके पास ना माल है ना इल्म, इसके पास ना माल है और ना ही दीन की समझ है, और ये चाहता है कि जिसके पास इल्म नहीं है माल है और वो मजे लूट रहा है तो उस जैसा माल इसको भी मिल जाए, ये भी जो है जिंदगी की जो रंगरलियां हैं वो सारी रंगरलियां देखे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये दोनों गुनाह में बराबर है। नेक नियति किस मकाम पर लेकर गई और बुरी नियत किस हालत में उसको ढकेल दिया, इसको जरा हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए और अपना मुहासबा करना चाहिए। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन, यहां कभी जो चीज हमें याद रखनी चाहिए वो ये कि बुलंद हिम्मत हमें होना चाहिए, हमारे बड़े अरमान होने चाहिए, बड़े बड़े ख्वाब होना चाहिए, ये सब अच्छी चीज है, लेकिन साथ में मेहनत करने का जज्बा भी होना चाहिए। जितना बड़ा ख्वाब आप देखना चाहे देखें, लेकिन उस ख्वाब को सच करने के लिए जो मेहनत आपसे दरकार है, जो मेहनत आपसे मतलूब है, वो मेहनत भी आपको करना है कि नहीं? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। स्मार्ट पर्सन कौन है, अकलमंद कौन है? वो है जो अपने आप को उसने पहचाना और आखिरत के लिए उसने जखीरा तैयार करी। वह आमिला लिमा बादल मौत, मौत के बाद की जिंदगी के लिए अभी से उसने तैयारी कर ली। वल आजिज, और फेल्यूर इंसान कौन है, नाकाम शख्स कौन है? वो आदमी है जो नफ्स की सुनते रहता है, ख्वाहिशात के पीछे दौड़ते रहता है, लेकिन अल्लाह से लंबी लंबी उम्मीदें लगाए रहा। वतमन्ना अलल्लाह अल अमानी,
ये फेल्यूर इंसान है, ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। हम काम ना करें, मेहनत ना करें, कोशिश ना करें और सारी खुशियां हमारी झोली में आ जाएं और सारी मालो दौलत जो है हमारे घर जो है आकर बसेरा करे, क्या ये होने वाली चीज है? मन जद्दा वजद्दा, जो मेहनत करेगा वही पाएगा, है कि नहीं? चुनांचे अरमान के सन जो है हमारे जिंदगी का रंग होना चाहिए, उमंग हमेशा हमारे साथ हमारे संग जो है होना चाहिए, इसका ख्याल करें। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाकया बयान करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु साथियों के साथ एक जगह जमा थे, तो आपने फरमाया चलो आप में का हर आदमी अपनी अपनी उमंग बता, क्या आपकी क्या उमंग है, आपकी क्या उमंग है। उसमें से एक सहाबी ने कहा मेरी उमंग है कि ये जो घर जिसमें हम बैठे हुए हैं ये पूरा सोने से भर जाए और मैं बिला दिरेक बिला झिझक उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं। एक दूसरे आदमी ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि ये घर जो है हीरे जवाहरात और जबरदस्त से जो है भर जाए और उसको मैं अल्लाह के रास्ते में बेदिरेक खर्च करूं। अब जब लोगों के अरमान को उमर रजी अल्लाह तआला ने जाना, लोग अपने अपने अरमान बताने लगे, तो एक शख्स से उन्होंने कहा हजरत आपका अरमान क्या है, आपकी उमंग क्या है? तो उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये घर अबू उबैदा बिन जर्राह, माज बिन जबल, सालिम मौला अबू हुजैफा और हुजैफा बिन यमान जैसे बुलंद हिम्मत और आला उमंगों उमंगे रखने वाले लोगों से भर जाए। तो माल को जमा करना खुश नसीबी है, लेकिन अफराद को अगर आप जमा कर रहे हैं तो आप सबसे कामयाब इंसान होंगे। माल एक हद तक हमें कामयाबी दिला सकता है, लेकिन अगर आपके अतराफ अफराद जमा है तो आप सबसे कामयाब इंसान। चुनांचे मुअज्जज समईन इसकी तरफ उमर रजी अल्लाह अन्हु ने तवज्जो दिलाई। और इसी तरीके से हसीन काबे का एक इलाका है, आपको मालूम है जो यू टर्न की शक्ल में होता है, देखे होंगे आप, उसमें का कुछ हिस्सा काबे का भी है, यानी उस हिस्से में आप नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह काबे में नमाज पढ़ने का सवाब हमें मिलेगा। यानी किसी की ख्वाहिश होती ना कि काबा अगर खुला होता तो मैं अंदर जाकर नमाज पढ़ता, तो वो खुला ही है। अब जाकर हतीम में अगर अल्लाह मौका दे तो उसके कुछ हिस्से में आप नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह तो वो काबे के अंदर नमाज पढ़ने के जैसा ही। तो मुअज्जज सामईन हतीम में हजरत मुसअब रजी अल्लाह अनु, उरवा रजी अल्लाह अनु, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अनु और अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अनु सब इकट्ठे। कभी अच्छे दोस्तों के साथ बैठना चाहिए, है ना? दिल की ख्वाहिशात को एक दूसरे से इजहार करने में तो गलत चीज नहीं है, है ना? फीलिंग्स को आप शेयर कर सकते हैं, अच्छे फीलिंग्स। तो चारों साथी खतीम में इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा चलो आज हम अपने अपने अरमान बतलाते हैं, अपने अपनी आरजुएं बतलाते हैं और अपनी अपनी उमंगें हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो उसमें अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा, देखिए नॉर्मल सिचुएशन है, अगेन नॉर्मल सिचुएशन है, ऐसा कोई मुस्तकबिल का बड़ा प्लानिंग उनका कुछ भी नहीं है, लेकिन उमंग जिसको बोलते हैं, ख्वाब जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा मैं तो खिलाफत की तमन्ना करता हूं, मामूली चीज नहीं। और उरवा रजी अल्लाह उन्होंने कहा मेरी तमन्ना तो यह है कि मुझे मुझसे लोग इल्म ले, मुझसे यानी मैं अल्लाह मुझे अहले इल्म में शुमार करे, मुझसे लोग इल्म ले। और मुसअब रजी अल्लाह तआला उन्होंने कहा मैं इराक की गवर्नरी चाहता हूं। आखिर में सबने कहा हम सबने हमारे अरमान
और हमारे जो है उमंगों को बयान कर दिया है, आप भी अपनी जो है अरमान बताएं और अपनी उमंग को जो हमारे सामने इजहार करें। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मेरा अरमान यही है कि अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह की मगफिरत मुझे मिल जाए। क्यों वाकई आप लोगों के सामने मैंने रखा? इसलिए रखा कि चारों जो सहाबा थे उनमें से तीन जो एक खिलाफत को चाहते थे, एक इल्म को चाहते थे, एक गवर्नरी को चाहते थे, तीनों को उनकी ख्वाहिश की चीजें मिल गई दुनिया में। और पूरी उम्मीद है कि अल्लाह सुबहाना व तआला अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अनुमा को मगफिरत का जो तमगा देंगी, उसमें कोई शकी नहीं। लेकिन अरमान देखिए, ठीक है, इसी तरीके से आपको मालूम है उमर बिन अब्दुल अजीज पांचवें खलीफा कहते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी भी उमंगों के संग थी। उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी भी उमंगों के संग थी और अल्लाह के फजल से उनकी उमंगें पूरी हुई, उनकी आरजुएं पूरी भी हो गई। चुनांचे वो खुद अपने ताल्लुक से फरमाते हैं, मेरा नफ्स हमेशा आरजुमंद रहता था, मेरा नफ्स हमेशा आरजुमंद रहता। नहीं, क्या है? रजा की कैफियत, उम्मीद की कैफियत, है नहीं? तकवा जो है तीन चीजों पर मुश्तमिल है, याद रखें कभी भी। एक अल्लाह की मोहब्बत, दूसरी क्या है? अल्लाह का खौफ, और तीसरी क्या है? अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह से उम्मीद। चुनांचे हमारे दिल हमेशा उम्मीद से भरे होना चाहिए, ना उम्मीदी हमारे करीब नहीं आना चाहिए, ना उम्मीदी मोमिन की सिफत है ही नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह को मानने वाले ना उम्मीद होते ही नहीं, मायूस होते ही नहीं। क्यों मायूस हो भाई? सारे जहानों का रब हमारा रब है, हमारा रब वो है जो कहता है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिकुम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, पहाड़ों जैसे गुनाह करने के बावजूद हमारे गुनाह आसमान को छू रहे हैं, उसके बावजूद अल्लाह सुभान व तआला हमें या इबादी का, ऐ मेरे बंदो, कितनी मोहब्बत। अल्लाह की रहमत से मायूस मत, इस हालत में भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत। तुमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, सही है, लेकिन मेरी रहमत तुम्हारे इस जुल्म से भी वसी है, मायूस ना होना। तौबा इस्तिग़फ़ार करो, गुनाह को छोड़ो, वो सारे गुनाहों को माफ करने वाला है, सारे गुनाहों को माफ करने वाला है। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, यहां उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मेरा नफ्स हमेशा आरजूमंद रहता था, मेरा नफ्स हमेशा आरजूमंद रहता, आरजूमंद होना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो आपने चॉइस दिया कि भाई तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे अरमान बताओ, तुम्हारी उमंग बताओ, तुम्हारी आरजू बताओ, सहाबा को चॉइस दिया। अब सब लोग सोच रहे थे क्या पूछेंगे। उसमें एक सहाबी थे, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं जन्नत में आपका संग चाहता हूं। जन्नत में आपका संग चाहता हूं। दूसरे भी फिर थोड़ा ये हुए, अलर्ट हुए, इतनी बड़ी चीज उसने पूछ ली, कितनी बेहतरीन चीज इन्होंने मांग ली। तो हम सोचते ही रहे क्या मांगेंगे, इन्होंने मांग ही लिया। तो दूसरे साहबी ने भी कहा, मैं भी चाहता हूं कि जन्नत में आपके संग रहूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साबका का उकाशा, इस मामले में उकाशा तुमसे सबका सबका। और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत भी की, इतनी बड़ी उमंग तुम्हारी है, इतनी बड़ी आरजू तुम्हारी है, इतनी बड़ी बड़ा अरमान तुम्हारा है, अच्छी बात है, इस मामले में ज्यादा नफिल इबादत कर मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी सिफारिश करो, तुम भी मेरे साथ रहो, इस मामले तुम भी थोड़ा मेहनत करो। वो क्या है? ज्यादा से ज्यादा नफिल इबादत
तुम बजा लाओ, ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो चुनांचे बताने का जो मकसद है कि आदमी अपने अंदर उमंग रखना चाहिए, आदमी अपने अंदर आरजू रखना चाहिए, आदमी पुर उम्मीद होकर जिंदगी गुजारना चाहिए, आदमी पॉजिटिव माइंड जो है होना जरूरी है, समझिए। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मेरा नफ्स हमेशा आरजूमंद रहा था। ठीक है जी, है कि नहीं? अच्छी आरजू करेंगे ना, माशाल्लाह बड़ी बड़ी आरजू कीजिए, क्योंकि हमारा रब सबसे बड़ा है। हदीस आएगी इंशाल्लाह। तो फरमाते हैं, मैंने फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक से शादी की तमन्ना की। उनके अब्बा भी बादशाह, उनके अब्बा के अब्बा भी बादशाह, समझे कि नहीं, खानदानी बादशाह। मैंने फातिमा बिन अब्दुल मलिक से शादी की तमन्ना की तो मेरी उनसे शादी हो गई। फिर मुझे गवर्नर बनने का शौक हुआ तो मैं गवर्नर बन गया। फिर दिल में खलीफा बनने की चाहत पैदा हुई तो मुझे अल्लाह ने खिलाफत से भी नवाजा। और अब मेरा अरमान और उमंग है, आरजू है जन्नत को पाने की, और अल्लाह से पूरा मुझे, अल्लाह पर मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह सुबहाना हो ताला मेरी इस उमंग को भी पूरी करेंगे, मेरी इस मुराद को भी अल्लाह सुबहाना हो ताला मुकम्मल करेंगे। देखिए, जिंदगी में जितनी ऊंचाइयां देखना चाहते थे उस सारी ऊंचाइयां उन्होंने देख ली, और जन्नत में ऊंचे मकाम की ख्वाहिश भी वो रख रहे हैं। चुनांचे याद रखें, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतुल फिरदौस आला जो है, जन्नतुल फिरदौस है ना, ये जन्नत का बीच का हिस्सा भी है, जन्नत का आला हिस्सा भी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें जन्नत मांगनी है, आज क्यों सिर्फ जन्नत मांगते हो, जन्नतुल फिरदौस आला को मांगो। तुम्हारी उमंग जन्नत के तय कैसी होनी चाहिए, मामूली नहीं है कि नहीं? मोहब्बत सामाइन याद रखें, इंसान की जो ख्वाहिशें हैं वो इतनी है कि हर ख्वाहिश पर इंसान की जान निकल सकती है, लेकिन फिर ख्वाहिश बाकी रहती है। आप सुनते होंगे, दिल के आरमा बह उठे, दुनिया पर अगर भरोसा करेंगे, दुनिया वालों पर आप भरोसा करेंगे तो दिल के जो अरमान है वो बह भी उठेंगे, जल भी उठेंगे, कुछ भी हो सकेगा। लेकिन रब्बे कायनात पर आप यकीन रखेंगे तो अल्लाह सुबहाना हो ताला जिंदगी में भी वो ऊंचाई अल्लाह आपको अता फरमाएंगे, और कल कयामत के दिन अल्लाह सुबहाना हो ताला जो मकाम जन्नत में आप पाना चाहते हैं उस मकाम को अल्लाह सुबहाना ताला आपको अता भी फरमाएंगे। चुनांचे अल्लाह सुबहाना हो ताला से जब हम कोई चीज मांगना हो, बड़ी चीज मांगना है, क्योंकि अल्लाह सुबहाना हो ताला कौन है, अल्लाह अकबर, आप जितनी भी बड़ी चीज मान ले उससे बड़ी जात किसकी है, अल्लाह सुबहाना हो ताला की। और अल्लाह सुबहाना हो ताला चाहे हमारी कितनी भी बड़ी मुराद हो अल्लाह पूरी फरमाएंगे, लेकिन शर्त है कि अल्लाह सुबहाना हो ताला के ताल्लुक पे हमारे दिल में हुस्न जन होना चाहिए, अच्छा गुमान होना चाहिए, मेरी ये ख्वाहिश है अल्लाह मेरी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगा, और इस हिसाब से मुझे कोशिश भी करनी चाहिए तो अल्लाह सुबहाना हो ताला उस ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगा। चुनांचे हदीस कुदसी में है, अल्लाह सुबहाना हो ताला फरमाते हैं, अना इंदा दुन्नी अब्दी बी, मेरा बंदा मेरे तई जैसा गुमान रखता है, मेरा मामला मेरे बंदे के तई वैसा ही होता है। हम जितना अच्छा गुमान अल्लाह सुबहाना ताला के ताल्लुक से रखेंगे, अल्लाह सुबहाना ताला हमें उतनी ही अच्छी हालत में अल्लाह सुबहाना ताला रखेंगे। सुनाचे मुअज्जज सामईन इसको भी याद रखें। उसके बाद कुछ और बातें जो है आपके हवाले करते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। मुअज्जज सामईन, अल्लाह सुबहाना ताला कुरान में कई जगह आप देखेंगे, वसारिऊ इला मग़फिरा, वसाबिकू इला मग़फिरा, अल्लाह की मग़फिरत की तरफ दौड़ो, अल्लाह की जन्नतों की तरफ दौड़ो, अल्लाह सुबहाना ताला फरमा। क्या माना है, यानी कोशिश करना है। अल्लाह सुबहाना ताला से हमें जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए, तीन बार आप सवाल करेंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद जन्नत कहेगा, अल्लाह तेरा बंदा ये मुझे मांग रहा है उसे दे दे,
लेकिन मुझे मांगना है ना पहले, ये तौफीक मिलनी है ना। सूरह इखलास दिन में 3 मरतबा अकरा पढ़ ले रहे हैं, पूरे कुरान पढ़ने का सवाब है। कब से सुनते आ रहे हैं आप लोग? बचपन से सुनते हैं ना, इंक्लूड मी। नहीं क्या हर रोज हम 3 बार पढ़ने की कोशिश करते हैं कम से कम? कितना आसान है नुस्खा, लेकिन अपने जब करना पड़ता है, अमल जब करने की बात आती है, तो वहां हम सही तरीके से खड़े नहीं उतरते। मौका अल्लाह हमें देता है कि ढेर सारी नेकियां कमाओ, लेकिन हम हैं कि गफलत में पड़कर उस मौके को भी खो रहे हैं। और जिंदगी ऐसी है, कभी भी खत्म हो सकती है, हमारी सांस कभी भी रुक सकती है। माज़ा सामईन, इंसान की जिंदगी जब खत्म हो जाती है तो अल्लाह सुबहाना होताला फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मुझे दोबारा जिंदगी दे, दोबारा दुनिया में लौटा दे। मैंने कोई सही कम अमल करके नहीं आया है, कोई नेक अमल मैंने नहीं किया है, मैं नेक अमल करूंगा, सदका खैरात करूंगा, वालिदैन की खिदमत करूंगा, गरीबों का ख्याल रखूंगा, लेकिन अल्लाह सुबहान तला मौका नहीं देंगे। अल्लाह सुबहान तला सूरह हक में फरमाते हैं, फअम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनिही, जिसका नाम अमाल उसके दाएं हाथ में सीधे हाथ में दिया जाएगा, वो तो खुश व खुर्रम होगा माशाल्लाह। हाउ मुकरबु किताबे, लोगो देखो ये मेरा नाम है अमाल है, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, यही रिजल्ट आने वाला मुझे मालूम था, क्योंकि मैंने कोशिश की थी। क्यों मालूम था भाई? एक बच्चा एग्जाम लिखता है और उसको मालूम है, बाद में उसने पूरे क्वेश्चन चेक भी कर लिए हैं, उसको पूरा यकीन होता है कि 98% मुझे मार्क आएंगे, तो हो सकता है एक आधा मार्क इधर उधर हो जाए, लेकिन वो अब 90 रह गए, उसको यकीन होता है। और जो बच्चा जिसको पूरा मालूम ही नहीं, उसके बाद उस चेक भी नहीं किया, तो उसको यकीन नहीं होता, पास हो गया तो खुश, फेल हो गए तो क्या बोलेगा, तो गुमान तो था यही है कि? तो बताने का जो मकसद है, बंदा कहेगा ये मेरा नाम है अमाल है, देखो इसमें सारी चीजें मौजूद हैं, जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो नमाज भी मौजूद है, जो अल्लाह ने हुक्म दिया ज़कात भी मौजूद है, जो अल्लाह ने हुक्म दिया सदका खैरात भी मौजूद है, हज भी मौजूद है, वालिदैन के फरमाबरदारी भी मौजूद है, हर चीज जो भलाई का नाम रखती है इसमें मौजूद है। हाउ मुकरहु किताबिया, और मजे की जिंदगी। लेकिन यहां जो बताना जा रहा हूं मैं, ये वह अम्मा मन उतिया किताबहु बिशिमाली, जिसका नाम है अमाल उसके बाएं हाथ में, दाएं हाथ में जिसका नाम है अमाल दिया जाएगा, वो क्या कहे, या लैतनी लम उत किताबिया, हाय हाय मेरा रिजल्ट मुझे दिया ही ना जाता, वलम अदरी मा हिसाबिया, या लैतहा कानत अल काज़िया, जो मौत थी वही आखिरी होती, मा अगना अन्नी मालिया, मेरे माल मेरे काम नहीं आया, हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी बादशाहत थी लोगों पर, मेरे बात पर सबों लोग मरने वाले थे, तैयार थे, लेकिन आज किसी की भी यहां नहीं चल रही है कि तमन्ना करेगा वहां, आरजू करेगा वहां, जाकर उमंग जगाने की कोशिश करेगा, लेकिन मौत के बाद उमंग जगाने से फायदा क्या है? जब तक सांसें चल रही हैं, हम उमंगों से हमारी जिंदगी को रंग भी सकते हैं, और उमंगों को जो है सही तरीके से हम पूरा भी कर सकते हैं, इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। यहां एक अच्छी बात मैं आप लोगों के हवाले करने की कोशिश करूंगा। माज़ा सामईन, बातें सारी अच्छी हैं लेकिन लेना चाहिए। आदमी फारगुल बाल हो, ये उसकी उमंग है, अरमान है, ठीक है, आरज़ू है, गलत है जी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि आप अपने बच्चों को मुस्तगनी कर मरो, बेहतर है कि उनको किसी का मोहताज कर मरो। उतना तो करना चाहिए, उतना तो अरमान होना चाहिए अभी। वला तंसा नसीबक मिन दुनिया, दुनिया से हमारा जो नसीब है उसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो माल को जमा करना और उसको अच्छी नीयत के साथ जमा करना और खर्च करना कोई बुरा अमल नहीं है, है कि
लेकिन जमा पे जमा कर रहे हैं और उसको खर्च नहीं कर रहे हैं या गुनाह के राह में खर्च करें जैसा कि चार लोगों के तालुक से मैंने बताया, यह गलत है। चुनांचे सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ने फरमाया لأن أخلف عشرة آلاف درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتار إلى النار, کہ میں 10,000 درہم چھوڑ کر مروں جس پر اللہ میرا محاسبہ کرے, مجھے پسند ہے کہ میں لوگوں کا محتاج بن کر زندگی گزاروں, لوگوں کا محتاج بن کر زندگی گزاروں. اور اس کے بعد رواد بن جراح رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمعت الثوری, سفیان ثوری رحمہ اللہ کو میں نے کہتے ہوئے سنا, ماضی میں پاسٹ میں کان المال فیما مضا یذکرہ, یہ برا سمجھا جاتا تھا, ماضی میں مال کا جمع کرنا, کسی کے پاس مال کا ہونا برا سمجھا جاتا تھا, فاما الیوم فہو ترث المؤمن, لیکن آج کی تاریخ میں وہ مومن کا ڈھال ہے, اس سے اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے, اس کے عزت کی حفاظت ہوتی ہے, اس کے آبرو کی حفاظت ہوتی ہے, اس کے آل و عیال کی حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ مال سے ہوتی ہے. اور انہوں نے فرمایا سفیان ثوری رحمہ اللہ, عبداللہ بن محمد الباہلی فرماتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ہاتھ میں ایک شخص نے دینار دیکھے, انہوں نے کہا حضرت آپ اللہ والے ہیں, عالم دین ہیں, اور آپ کے ہاتھوں میں دینار ہے, یہ آپ کو زیب نہیں دیتا, آج کل بھی آپ سنتے ہوں. تو اس وقت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا اسکت, خاموش رہو, فلولا, اگر یہ مال ہمارے پاس نہ ہو تو بادشاہ ہمیں کلینک کی طرح استعمال کر کے پھینک دے, ٹشو کی طرح استعمال کر کے بادشاہ ہمیں, یعنی ہمارا استعمال وہ کیسے بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ مال اگرچہ کہ بیماری مانی جاتی ہے لیکن اس بیماری کا شکار خود جو ڈاکٹر ہے عالم ہے وہ خود ہو جائے, وہ خود مجبور ہو جائے, وہ خود محتاج ہو جائے, کہ لوگوں کا علاج کیسے ہوگا. چنانچہ مستغنی ہونا, ضرورت کے حساب سے مال کا مالک بننا یہ برا نہیں ہے, اور یہ ارمان رکھنا, یہ امنگ رکھنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. چنانچہ معزز سامعین اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. اس کے بعد آخر میں کچھ باتیں کر کر اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. معزز سامعین ہمارے بہت سے ارمان ہوتے ہیں, بہت سے امنگیں ہوتی ہیں, اور کچھ ارمان پورے ہوتے ہیں اور کچھ ارمان پورے نہیں ہوتے, کچھ امنگیں پورے ہوتی ہیں اور کچھ امنگیں پوری نہیں ہوتی ہے کہ نہیں. جہاں ہماری امنگ پوری ہو رہی ہے اللہ کا شکریہ بجا لانا چاہیے, اور جہاں ہماری امنگ پوری نہیں ہو رہی ہے, ہماری آرزو پوری نہیں ہو رہی ہے, تو وہاں بھی اللہ کا شکریہ ہمیں بجا لانا چاہیے, کیونکہ ما جن فی حکمک, جو ہونا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, اور اللہ کے اذن کے بغیر ہماری زندگی میں کوئی بھی چیز جو ہے ہو نہیں سکتی ہے کہ نہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ ناپسند کریں لیکن وہ تمہارے لیے بھلی ہو سکتی ہے, اور کسی چیز کو تم پسند کریں وہی چیز تمہارے لیے آزمائش کا سبب بھی بن سکتی ہے. چنانچہ معزز سامعین سفر کٹھن ہے تو کیا غم ہے, سفر ہی تو ہے, سفر کٹھن ہے تو کیا غم ہے, سفر ہی تو ہے, سنبھل سنبھل کے چلو گے تو کٹ ہی جائے گا, سنبھل سنبھل کے چلو گے تو کٹ ہی جائے گا. چنانچہ معزز سامعین گھٹیا قسم کی امنگیں جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شیطان کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, ڈھیر ساری امیدیں شیطان بھی جگائے گا, ڈھیر ساری امنگیں شیطان بھی جو ہے ہمارے اندر لانے کی کوشش کرے گا, لیکن یہ امنگیں یہ آرزو یہ باطل پر مشتمل ہوں گی, ظلم پر مشتمل ہوں گی, حسد پر مشتمل ہوں گی. چنانچہ ان آرزوؤں سے انسان اپنے آپ کو بتانا چاہیے. ابھی معزز سامعین اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم صرف دنیا کو چاہتے ہو
तो जो तुम्हें चाहिए अल्लाह तुम्हें दे देंगे, लेकिन दुनिया में रहते हुए आखिरत के तलबगार हो तो अल्लाह सुभान तआला दुनिया भी तुम्हें देंगे और आखिरत में भी तुम्हें सरखुरो ये अता फरमाएंगे। चुनांचे माज़ समाई, ये जो दुनिया की जिंदगी है ये फानी होने वाली है लेकिन उमंगों से भरी है। क्यों उमंगों से भरी है? क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है। यहां जितनी बार हमें सुभान अल्लाह कहने का मन करे उतनी बार सुभान अल्लाह कह लेना चाहिए, जितनी बार ला इलाहा इल्लल्लाह करने का मन करे उतनी बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेना चाहिए, जितने बार इस्तिगफार करने का मन करे उतनी बार इस्तिगफार कर लेना चाहिए, सैयदुल इस्तिगफार भी हमें हिफ्ज कर लेना चाहिए। माज़ समय, क्योंकि मौत के बाद एक बार अल्हम्दुलिल्लाह बोलने को इंसान तरस जाएगा, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने को इंसान तरस जाएगा, एक बार अस्तगफिरुल्लाह बोलने को इंसान तरस जाएगा, लेकिन उसको वो मौका नहीं मिलेगा। ये जो जिंदगी है इस जिंदगी में हम इसको पूरा कर सकते हैं। चुनांचे कल क़यामत के दिन जब मंजर उतना भयानक काफिर के सामने आएगा तो उस वक्त अल्लाह सुबहाना हो ताला उस मंजर की जो है मंजर कशी करते हुए फरमाते हैं, इन्ना अंदरनाकुम अदाबन करीबा यौम यंदुरुल मरु मा कद्दमत यदा व यकूलुल काफिरु या लैतनी कुंतु तुराबा। वहां मोमिन तो खुश होगा लेकिन जो काफिर होगा वो तमन्ना करेगा काश के मैं मिट्टी होता, काश के मैं मिट्टी होता, बल्कि यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी बि, उस दिन मुजरिम यानी काफिर ये ख्याल करेगा, यवद के माने अरमान, उमंग, सारी चीजें इसमें आती हैं, ये ख्वाहिश करेगा कि उसके बदले उसका भाई, उसकी मां, उसकी बहन, उसके दोस्त, उसके अहबाब, बल्कि दुनिया में जितने लोग हैं मन फिल अर्दी जमीअन सुम्मा इंजी, सबको दे दे लेकिन खुद बच जाए। अल्लाह क्या फरमाते हैं, कल्ला ये होने वाला, ये तेरी उमंग पूरी होने वाली नहीं है, ये तेरा अरमान पूरे होने वाला नहीं है, तेरी आरजू पूरे होने वाली नहीं है। तो आखिर में मोहतरम सामाईन हम इस महफिल पे बैठे हैं, मुबारक महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खाता पीता हमें रखा है और जिसके भी जो भी मसाले हैं अल्लाह हल फरमाए, लेकिन इसी महफिल में हमें बैतुल मक़दिस को भी याद करना चाहिए, उस पर जो जुल्म हो रहा है उसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। ये वादी मुकद्दस आज जो है खून से लहूलहान है, चुनांचे वादी मुकद्दस का हाल यहां आकर देखे, जलते घर और वीरा मकान देखे, 400 खाली जलती हुई बस्तियां, जमीन की जन्नत में खाली धुआं देखे, रोती माएं बिलकते हुए बच्चे हैं, हर तरफ जुल्म बपा है जहां देखे। माज़ सामईन हमें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, है कि जो भी लोग यहां आए हैं पहले की बनिस्बत अगर हमारी जवानी की जिंदगी को आप लें, यहां आने के बाद आपने कुछ सेविंग किया, बहरहाल कुछ मालो जायदाद भी आपने इकट्ठ किया, अल्लाह ने अच्छी हालत में हमें रखा है, तो हमारी दुआओं में जहां हम इन्हें याद रखते हैं वहीं हमारे माल का सदका देकर भी ठीक हम इनका ख्याल करना जरूरी है और इन्हें इनकी मदद करनी जरूरी है और इन गम के पहाड़ टूटने वाले मजलूम इंसानों के लिए जो है हमें अल्लाह सुभान व तआला से दुआ भी करनी चाहिए और साथ में ये अज्म ये उमंग रखनी चाहिए, सितमगर हम तुम्हारी नींद पल पल उड़ाएंगे, ये अरमान ये उमंग हमारी होनी चाहिए, याद रखें, सितमगर हम तुम्हारी नींद पल पल उड़ाएंगे, सदा हक का लगा के हम जमाने को जगाएंगे। तो अल्लाह सुबहान व तआला जो भी बातें कही और सुनी गई हैं उस पर मैं अच्छी बातों को अल्लाह सुबहान व तआला अपनाने और उसके मुताबिक हमारे जिंदगी को रंगने के साथ रंगने के तौफीक अल्लाह हम सबको अता फरमाए और हमारी ये जिंदगी के जो रंग है हमारे उमंगों के संग हो और वो उमंगे हक पर और सच्चाई पर मबनी हो, यही अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ है। जो भी बातें कही गई उसमें हक और सच्चाई है तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और अगर कुछ गलत है तो मेरे नफ्स और शैतान की तरफ से, जिससे मैं अल्लाह सुबहान व तआला की पनाह तलब करता हूँ। अल्लाह सुबहान व तआला हमारे मसाइल का हल फरमाए, अल्लाह सुबहान व तआला हमारे मुश्किलात को दूर फरमाए, अल्लाह सुबहान व तआला हमारे जो खताएं हैं जो गुनाह है उसको अल्लाह सुभान व तआला दरगुजर फरमाए और अहले फलस्तीन के साथ अल्लाह सुभान व तआला रहम का मामला फरमाए। आमीन व जज़ाकुम अल्लाह खैरन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।